चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिलाईगढ़ ब्लॉक की, जहां चचोली गांव में 4 साल पहले से पुल निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से 70% निर्माण के बाद भी उसे अधूरा छोड़ दिया गया है, और जिसके बाद ग्रामीणों ने जैसे तैसे बांस और लोहे के छड़ों से जुगाड़ के सहारे पुल को इस्तेमाल करने लायक बनाया। और जुगाड़ से बने इस पुल को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में विकास किस रफ्तार से दौड़ रहा है। और इस पुल को पार करते समय ग्रामीणों के मन में हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है, और पुल का कार्य 75% होने के बाद भी रुक गया, जिससे चिचोली और गोरबा गांव को जोड़ने वाले इस पुल का 75% काम तो पूरा हो गया है, लेकिन बचे हुए काम को कराने में प्रशासन कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अब ये अधूरा छोड़ छोड़ दे रहा है। आप लोग आने जाने के लिए कैसे करते हैं फिर? अब वो दे बांस के फट्टा उट्टा करके नहा कर रहा है। कितने गांव के लोग आते जाते हैं? ये इसमें तो बहुत आता है, मोटरसाइकिल भी आते जाते हाँ, हैं। हाँ मोटरसाइकिल। डर लगा रहता है कि नहीं लगा रहता कि अब डर के बूते है? हाँ पूरा हो है, दे गांव वाला मान आ जाए सुविधा देखिस त दे बांस के बल्ली है करके ना आ जाए वह करे हवा है बनाए। एमल बाइक वाइक भी रहते का? हाँ नहाक थे बाइक वाइक, लेकिन ये बहुत परेशानी कावर है तो लीदत हवा है। अब ये अधूरा छोड़ छोड़ दे रहा है। आप लोग आने तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिलाईगढ़ की, जहां पर आप देख सकते हैं कि 75% कार्य तो पूरा हुआ लेकिन बाकी नहीं हुआ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिल मानिकपुरी जुड़ गए हैं। अखिल, आखिर क्या कुछ वजह कि काम 75% तो पूरा हुआ लेकिन बाकी का जो काम था वो अधूरा छोड़ दिया गया? बताने वाली चिचोली गांव के लिए, जहां पर बैराज जो बनाया गया है, बराज को देखते हुए वहां पर पानी रोका अधिकतर रोका जा रहा है, जिसको देखते हुए चिचोली गांव के पास पुल निर्माण किया जा रहा है लाखों रुपए का, लेकिन वही ठेकेदार की मनमानी और अधिकारी के अनदेखी के चलते आज 4 साल बाद ये पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण वहां से जाने वाले जो ग्रामीण रहते हैं, जो यात्री रहते हैं, वो अधूरे पुल जो निर्माण किया उस पर बांस बलि और रोहे के रात के सहारे नाला पर पुल से नाला पार करने पर मजबूर है। वही मैं बता दूं कि लगातार उन लोगों को खतरा खड्डा लगा रहता है कि कहीं घटना न घट जाए। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इतनी ऊंचाई पर बांस और लोहे की रॉड के सहारे पुल निर्माण किया गया है, कहीं वहां से फिसल जाए तो नीचे गिरकर कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने की शिकायत लगा रहता है। वही लोगों को साफ तौर पर मांग थी कि बहुत ज्यादा पुल निर्माण किया जाए, लेकिन अधिकारी की अनदेखी और ठेकेदारी की लापरवाही के चलते आज 4 साल में भी पुल निर्माण नहीं किया गया है और जवाबदार अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अखिल, कितने समय पहले इस पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और कितना समय हो चुका है कि बीच अधर में ही अटका हुआ है? बिल्कुल मैं बता दी, 4 वर्ष पहले पुल निर्माण का प्रारंभ हुआ था, लेकिन आज 4 वर्ष होने के बाद पूरा नहीं हो पाया है। यह 2 साल से यही 75% पुल निर्माण किया गया है, लेकिन 75% में ही रोक दिया गया है, जिस पर साफ तौर पर ठेकेदारी की पुल की लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई होगी? बिल्कुल मैं बता दूं, ये कम से कम आधा किलोमीटर के आसपास की लंबाई होगी जो तो पुल की, जिसमें 50% का निर्माण कार्य किया गया, लेकिन 50% से ज्यादा 50% के आसपास छोड़ दिया गया है। जी, तो आधे किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई है जो बिल्कुल जान हथेली पे रख के वहाँ के ग्रामीणों को पार करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। अब वहाँ के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, उन लोगों ग्रामीणों को साफ तौर पर यही कहना है कि बहुत ज्यादा पुल की मांग कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ के अधिकारी या जो जनप्रतिनिधि, उन लोगों को साफ तौर पर यही कहना है कि इस पुल निर्माण किया जाए ताकि आने जाने वाले जो राहगीर है और स्थानीय लोग, उन लोगों को समस्या न होना पड़े, क्योंकि वहां पर मैं बता दूं कि बाइक का भी सहारा लेकर नाले पार करते हैं, जो कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन जवाबदार जो अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है उन लोगों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण उन लोगों को आज उस खतरे के पुल से पार करने पर मजबूर है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अखिल आपका। और बात